वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज आपको हम ऐसी चीज दिखाने वाले हैं जिससे आपका दिमाग घूम जाएगा, सच बता रहा हूँ, घूम जाएगा दिमाग। वीडियो पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं दिखाने वाला हूँ लखनऊ की शान। जो लखनऊ में जो सबसे बेहतरीन चीज है ना, वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वो चीज क्या है? वो चीज है अम्बेडकर पार्क। रात के टाइम पे मैं आया हूँ, रात के टाइम पे यहाँ का नजारा क्या बताऊँ, इतना गजब है। चलिए हम दिखाते हैं, चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं इसके बारे में और क्या क्या यहाँ पे बना हुआ है, सारी चीजें। वाह यार, मेरा तो देख के ही मन बहुत ही बेहतरीन लग रहा है यहाँ पे। तो चलिए दिखाते हैं हम। जैसे ही हम लोग सबसे पहले एंटर करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टिकट काउंटर है, तो 15 रुपए का एक पर्सन का टिकट होता है। तो टिकट लेकर के और हम लोग सीधा सीधा एंट्री करते हैं और सबसे पहले हमको देखने को मिलता है ये फाउंटेन, क्योंकि रंग बिरंगा है, बहुत ही गजब लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। आपको हम पास जाके दिखाते हैं। इसी के हाथी बने हुए हैं, इसमें पानी भरा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, कितना मस्त लग रहा है एकदम यार। तो चलिए हम आगे चलते हैं और भी चीजें आपको दिखाते हैं। बहुत बड़ा पार्क है ये, घूमते घूमते आप थक जाओगे। वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है तो पूरा देखिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे पूल भरा हुआ है पूरा, और यहाँ पे एक और फाउंटेन ये देखो चल रहा है, देख सकते हैं आप, बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, बेहतरीन लगता है सबसे पहले तो। इसके बाद ये देखिए ये खंबे, क्या गजब लग रहे हैं यार। इसके बाद में ये गेट, अरे मेरा तो मन ही ऐसा लग रहा है कि हम कहीं जैसे विदेश में आ गए हो। तो चलिए हम लोग टिकट चेक कराते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं सारी अंदर। हम आपको दिखाते हैं जन्नत, देखिए ये रात में लगता है ये अंबेडकर पार्क इस प्रकार का। देखते जाइए बस, खूबसूरती को निहारिए आप लोग सब। इतना बड़ा पार्क है कि शायद जो है 2-3 घंटे में ना घूम पाए हम। ये हम बता दें तो ये मायावती जी ने बनवाया था अपने शासनकाल में, और आज के टाइम पे ये लखनऊ की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध चीज है, सबसे ज्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं घूमने। हाँ, इंडिया की भी कह सकते हैं, जैसा इंडिया में है। हाँ, सब जगह देख सकते हैं आप, कितना बेहतरीन लगता है नजारा देखने में। माय गॉड, हाँ बाहर से मंगाए हुए मार्बल से हाथी बने हुए हैं, सारी चीजें अभी आपको हम दिखाएंगे। ये आप सभी लोग देख सकते हैं, स्तूप बने हुए हैं, इतने बड़े 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 स्तंभ, ये ऊपर इन पे हाथी वगैरह बने हुए हैं, और यहाँ की खूबसूरती तो मेरे से सही नहीं जा रही है। मम्मे क्या करूं। अंकित ये भी ब्लॉग बनाने में लगा हुआ है, अपना वीडियो शूट करने में। अभी हर एक जगह जाएंगे हम, आपको दिखाएंगे। देखिए सभी लोग, ये देखिए। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं इस वाले जो एक बना हुआ है, मूर्ति रखी हुई है अंदर, इसमें किसकी है देखते हैं चल करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं खूबसूरती कितनी बेहतरीन लग रही है, और यहाँ पे हाथी वगैरह बने हुए हैं, और अंदर चलते हैं देखते हैं। इतना बड़ा तो गेट लगा हुआ है अंदर। तो चलिए सीधा अंदर आपको दिखाते हैं, अंबेडकर जी की मूर्ति बनी हुई है अंदर, और ये बुद्ध भगवान की हाथी वगैरह। ओह माय गॉड भाई, देखो के बाद में यहाँ से ले गया एक ये मूर्ति है, उसके बाद में यहाँ अंदर चले जाओ तो यहाँ भी और ये मूर्ति है माया, और ये मेरी कोई है पता नहीं। और देखो लाइट्स वगैरह, ओ तेरी, ये देखिए
अम्बेडकर जी शायद बौद्ध भिक्षु जी के साथ में। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये भी मूर्ति है। यहाँ पर अंदर चले जाइए आप, यहाँ पे मायावती जी की मूर्ति है जो कि पोडियम के पास खड़ी हुई है। मतलब यार एकदम बेहतरीन, सोचा नहीं था कि ऐसा भी है इसके अंदर। ऊपर देख सकते हैं आप, ऊपर बुद्ध भगवान की वो बनी हुई, सूर्य बना हुआ है। चलिए हम लोग दूसरी जगह चलते हैं। तो गाइज हम इस अंबेडकर जी के महल से बाहर आ गए, लेकिन आप सामने का नज़ारा देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है एकदम। यहाँ से सामने से एकदम बेहतरीन नज़ारा है भाई। यहाँ पे लाइटनिंग की जो लाइटिंग है ना, बहुत ही बेहतरीन लग रही है। चलिए अभी सभी जगह चलेंगे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत बड़ी जो पत्थर का जो स्तंभ बना हुआ है, जिसपे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। और यहाँ से जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे, ये देख सकते हैं आप सामने से कितना बेहतरीन नज़ारा लग रहा है, क्या बताएं। यहाँ सामने देख सकते हैं आप, मैंने अभी तक के जितने भी ब्लॉग्स बनाए हैं, ये उनमें से सबसे बेहतरीन चीज़ निकली है, जो मैं रात में भी इसमें जो घूम रहा हूँ, और प्लस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है हमें यहाँ घूमने में। तो कोई भी व्यक्ति इस जगह को छोड़े ना, मैं यही कहूँगा सबसे। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये दो जो है बने हुए, क्या बोलते हैं इसे, बुद्धिस्ट धर्म में होता है क्या बना हुआ, क्या बोलते हैं, हाँ टेम्पल टाइप मान लेते हैं। तो दो बने हुए हैं और बेहतरीन लग रहे हैं। और यहाँ पे हम बता दें, सबसे बेहतरीन खासियत है यहाँ पे जितना भी मार्बल यूज हुआ है, जितना भी ए टू जेड सारा का सारा फॉरन से मंगाया हुआ है, यहाँ का मार्बल है ही नहीं, क्योंकि देखने से ही लगता है। भाई दिन में तो अलग ही नजारा होता होगा। गाइज हम पहले बुद्ध टेंपल में घुस रहे हैं। ओ माय गॉड तेरी भाई ये क्या है? नहीं 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 ये क्या है, देखो यार मायावती जी की जो है मूर्ति बनी हुई है चारों तरफ से। अरे भाई साहब, संत कबीरदास, कबीरदास है ये, कबीरदास है, बुद्ध जी है, इसके बाद में संत रविदास है, ये कौन है, गुरु घासीदास, नारायण गुरु। तो यहाँ पे घुसे हैं तो इको हो रहा है, साउंड जो इको हो रहा है बहुत ज़्यादा ये तो आओ यार दूसरी जगह ले चलते हैं यार, यहाँ तो मेरा मेरा माइंड यहाँ तो चकरा रहा है भाई यार, देख के चलो 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 यहाँ पे चलो। इतना बड़ा गेट यार भाई, देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, और ये कौन है, ये बिरसा मुंडा, हाँ, और ये कौन है, ये छत्रपति साहू जी महाराज हैं, ये हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले हैं। और इसके बाद यहाँ पे आते हैं श्री मान्यवर श्री काशीराम जी, ठीक है,
और यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं मायावती जी है। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा कोई भवन बना हुआ है। कौन सी गैलरी है भाई, पढ़ना जल्दी पढ़। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे हाथी बने हुए हैं, और यहाँ इस साइड भी देख सकते हैं आप, एग्जिट गेट है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सामने मायावती जी की मूर्ति और अंबेडकर जी की मूर्ति बनी हुई है, अभी हम वो जाके आपको दिखाएंगे। और पहले आप ये देखिए हाथी, वाह कितना बेहतरीन लग रहा है। कौन सी गैलरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन गैलरी है ये। इसके अंदर क्या है वो भी हम चल करके आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं बाबा साहब की जो है मूर्ति बनी हुई है। क्या बेहतरीन नज़ारा लग रहा है हर जगह। ये यहाँ पे देख सकते हैं गैलरी, परिवर्तन गैलरी में देख सकते हैं किसकी है ये मूर्ति। संत नारायण गुरु की है ये मूर्ति। इसके आगे भी और मूर्तियाँ बनी हुई हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है कुछ। ओ कूजा, सेकंड मूर्ति ये बनी हुई है, ये किसकी है ये भी देख लेते हैं हम लोग। बेहतरीन, ये शायद ज्योतिबा राव फूले जी की ये मूर्ति है। ये बैकवर्ड समाज से कर, हाँ, और शायद वो आगे बनी हुई है, आगे बनी हुई है शायद छत्रपति कौन थे, साहू जी महाराज की शायद आगे बनी हुई है। देख सकते हैं आप, ये है छत्रपति साहू जी महाराज। एक संभाजी महाराज है, ये संभाजी महाराज थोड़ी है, संभाजी महाराज वो है और शिवाजी राजे भोसले हाँ छत्रपति साहू जी, हाँ वही हमने बोला था। और आगे आप देख सकते हैं तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति बनी हुई है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 15 रुपए में हमने इतना घूम लिया कि अभी तक जितने भी पैसे हमारे मतलब उरई से यहाँ तक आने में खर्च हुए, देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद आगे कांसीराम जी है शायद, देखिए आप कौन है ये, हाँ कांसीराम जी है। इसके बाद आगे एक मूर्ति रह गई, सर वो मायावती जी की मूर्ति बनी हुई है, आप देख सकते हैं यहीं से दिखा देते हैं हम आपको। तो ये थी जो गैलरी थी हमारी, वो गैलरी थी। इसके बाद आगे हम आपको दिखाते हैं। तो गाइज गैलरी घूमने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं जो मायावती जी की और अंबेडकर जी की मूर्ति बनी हुई है सामने, वो दिखाएंगे आपको। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये दो मूर्तियां बनी हुई हैं। और एक बात कहना चाहूँगा, अगर हम लखनऊ में हैं और वो भी रात में, और उसमें भी हम अंबेडकर पार्क में हों, आए हाय इतना सुकून यार कहाँ मिलता है। देख सकते हैं आप लोग, ये मायावती जी की मूर्ति बनी हुई है, काफ़ी बड़ी है। इसके बाद में ये बनी हुई है, ये कांसीराम जी की मूर्ति बनी हुई है। और आप देख सकते हैं ये नक्शा, आप देख रहे हैं ना, ये नक्शा शायद इसी पार्क का नक्शा है शायद जो बना हुआ है ना। कुछ भी कहो यार, मायावती जी ने अपना प्रचार खूब अच्छे से किया। के बाद में यहाँ से आप सामने देख सकते हैं हाथी 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 एंड लाइट्स लाइट्स लाइट्स, और यहाँ से ये नज़ारा। तो गाइज ये था हमारा अंबेडकर पार्क, जैसा कि आपने देखा हमें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये पार्क, और यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है रात में। और आप आएँ तो बिल्कुल यहाँ पे ज़रूर घूमने आएँ। और आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो दिखते में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।